सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर। कल के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आने वाले सेशंस में और क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो रेगुलरली अपलोड करती हूँ। समटाइम्स ट्रैवल के वीडियोज भी अपलोड करती हूँ और जब कभी भी टाइम मिलता है तब मैं एक एजुकेशन पर्पज में या फिर किसी स्टॉक को लेके वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए। और जिन्होंने अभी तक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से ज्वाइन कर लो चैनल मेंबरशिप। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा और उस हिसाब से आपको जो मेंबरशिप आपको अच्छी लगती है वो मेंबरशिप लीजिएगा। मेंबरशिप में आपको दो ऑप्शन है, 159 की मेंबरशिप जो नॉर्मल मेंबरशिप है जिसमें आपको स्टॉक रिकमेंडेशन मिलेगा, आपके कमेंट्स का अर्ली रिप्लाई मिलेगा और आपको टाइम टाइम पे स्टॉक्स के ऊपर सजेशन मिलता रहेगा। वही गोल्ड मेंबरशिप में आपको वीडियोस मिलेंगे, एक्सपायरी के ऊपर वीडियोस मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा वीडियोस जहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेटेजी एडजस्टमेंट्स बताई हुई है और उसके साथ साथ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियोस मिलेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर वीडियोस मिलेंगे। तो इस तरह के वीडियोस आपको गोल्ड मेंबरशिप में मिलते रहेंगे। तो आपको जो मेंबरशिप लेनी है वो जल्दी से ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंबरशिप के लिए एक लिंक प्रोवाइड कर दी है, वही अगर आप देखोगे तो आपको सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक और आइकॉन दिखेगा ज्वाइन बटन करके, तो वहां से भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो निफ्टी 50 के साथ। तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 11,303 के पास। सो फिलहाल आज निफ्टी ने डेली चार्ट के ऊपर एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म की है। सो मोमेंटम इंडिकेटर फॉर्म बुलिश क्रॉसओवर ऑन दिस काउंटर्स हिंटिंग एट पॉसिबल अपसाइड। सो यहां पे अगर हम देखें, एमएससीडी इज नोन फॉर सिग्नलिंग ट्रेंड रिवर्सल इन ट्रेडेड सिक्योरिटीज और इंडाइसेस। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द 26 डे एंड 12 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कॉल्ड द सिग्नल लाइन is plotted on top of the MACD to reflect buy or sell opportunity. So यहाँ पे MACD crosses above the signal line, it gives a bullish signal indicating that the price of security may see an upward momentum and vice versa. लेकिन फिलहाल एक indicator काफी नहीं है upside की journey Nifty के लिए तय करने के लिए। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो MACD ने एक bullish sign दिया हुआ है। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि Nifty 11,100 और 200 के ऊपर कंसोलिडेट करता है कि नहीं और एक सेशन के लिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि निफ्टी यहां से हमें अपसाइड के लिए जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है, इसके नीचे निफ्टी नहीं जा सकता ऐसा हम लोग कह सकते हैं अगर निफ्टी ने और एक सेशन के लिए 11,100-200 कंसोलिडेट किया तो। तो फिलहाल हम लोग अभी पहले देख लेते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन। तो अभी मेरे सामने निफ्टी 50 की 5 मार्च की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है और आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 11,303 के पास। सो अभी हम लोग ऑप्शन डेटा से ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है निफ्टी 50 के लिए।
11,303 की क्लोजिंग आई है, इसका मतलब हम लोग 300 के ऊपर एट दी मनी है। सो कॉल साइड में 14 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की हमें यहाँ पे एडिंग देखने को मिल रही है। 11,400 की बात करें तो 16 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की हमें यहाँ पे एडिंग देखने को मिल रही है। 11,500 की बात करें तो 18 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की हमें यहाँ पे एडिंग देखने को मिल रही है। तो अगर हम लोग कॉल साइड में देखें, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट फिलहाल कहाँ पे बना हुआ है, तो कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो है 19 लैक्स का, जो कि है 11,600 के लेवल के ऊपर। उसके बाद में देखें तो उसके बाद में सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 18,38,000 का, जो कि है 11,500 के लेवल के ऊपर। और उसके बाद में देखें तो 17,83,000 का और 17 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 11,700 और 800 के ऊपर। वही अगर हम आज देखें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कौन से लेवल पे हुई है, तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हुई है 2,83,000 की और 2,46,000 की, जो कि है 11,600 और 11,450 के लेवल के ऊपर। तो अभी अगर हम इस ऑप्शन डेटा से निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस देखें, तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 600 के ऊपर और सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग भी हमें इसी लेवल के ऊपर दिखाई दे रही है। तो फिलहाल जो रेजिस्टेंस जोन है, एक हर्डल जोन है निफ्टी 50 के लिए, वो रहेगा 11,600 का, जहां से हमें निफ्टी के अंदर एक सप्लाई देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी बाउंस बैक भी करता है तो यहाँ पे अटक सकता है। वही अगर हम लोग पुट साइड में देखें, तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में कहाँ पे खड़ा है, तो सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो है 19 लैक्स का, जो कि है 11,000 के लेवल के ऊपर। उसके बाद में सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 15 लैक्स का, जो कि है 11,200 के लेवल के ऊपर। और उसके बाद में अगर हम देखें तो उसके बाद में 10,500 के ऊपर 13 लैक्स का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो अभी जो निफ्टी 50 के लिए क्रूशियल सपोर्ट बना हुआ है वो लेवल है 11,000 का लेवल, और अगर ये लेवल के बिलो निफ्टी क्लोजिंग देता है तो आने वाले समय में हम लोग निफ्टी के अंदर 10,500 तक के फिर लेवल्स देख सकते हैं। वही अगर पुट साइड में हम लोग देखें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है आज, तो आज पुट साइड में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हुई है 5,58,000 की, जो की है 11,200 के लेवल के ऊपर। वही उसके बाद में देखें तो सेकेंड हाईएस्ट एडिंग हुई है 4,23,000 की, जो कि है 10,900 के लेवल के ऊपर। तो अभी अगर नेक्स्ट सेशन की हम लोग बात करें, तो फिलहाल निफ्टी ने 300 के ऊपर की क्लोजिंग देने में मैनेज किया हुआ है। तो अभी नेक्स्ट सेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फर्स्ट, वो रहेगा 11,200 का लेवल, और उसके बाद में नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 11,000 का लेवल। वही अगर निफ्टी हमें 11,000 से लेके 11,200 के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, तो ये अच्छे साइन है निफ्टी 50 के लिए। यहां से हम लोग मान सकते हैं कि निफ्टी जो है वो यहां से अपसाइड के लिए धीरे धीरे जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। इसका मतलब करेक्शन यहाँ पे एंड हो गया है 11,000 के पास, इसके बिलो निफ्टी फिलहाल नहीं जाएगा अगर निफ्टी ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो। वही अगर 11,000 टूट गया क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो और ज्यादा वीकनेस और ज्यादा डाउनसाइड के लेवल्स हम लोग निफ्टी के अंदर फिर देख सकते हैं। सो निफ्टी के लिए यहां से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नेक्स्ट सेशन के लिए इस ऑप्शन डेटा से 11,200 और उसके बाद में 11,000 का लेवल। वही रेजिस्टेंस रहेगा यहां से फर्स्ट 11,450 का लेवल और उसके बाद में 11,600 का लेवल। सो निफ्टी 50 के लिए हमने ऑप्शन डेटा तो स्टडी कर लिया है, तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 के।
तो एमएससीडी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, तो अभी हम लोग चार्ट के ऊपर देखते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल कौन-कौन से हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। तो अगर हम देखें आज निफ्टी के अंदर क्या हुआ, तो निफ्टी ने आज ओपनिंग की थी 11,217 के पास, इंट्राडे हाई किया था 11,342 के पास, इंट्राडे लो किया था 11,152 के पास, और अभी फिलहाल क्लोजिंग दी है 11,303 के पास। सो यहां से निफ्टी हमें आज एक अच्छे जोन में दिखा। फिलहाल डेली चार्ट के ऊपर भी एक ग्रीन कलर की कैंडल निफ्टी ने फॉर्म की है, तो एक अच्छे संकेत है। और एमएससीडी के बारे में मैंने आपसे कहा अभी कि एमएससीडी ने भी फिलहाल के लिए एक बुलिश सिग्नल दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल ये काफी नहीं है। निफ्टी को थोड़ी देर यही इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करना होगा, तभी यहां से अपसाइड के लेवल हम लोग तय कर सकते हैं। वही आज निफ्टी ने डेली चार्ट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाई है। सो अभी देखिए यहां से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए नेक्स्ट सेशन के लिए, वो रहेगा 11,280 का लेवल। अगर आप देख रहे हो कि निफ्टी इंट्राडे में 30 से 40 मिनट तक इसके बिलो ही ट्रेड कर रहा है, तो यहां से निफ्टी हमें कहां तक जाते हुए दिखाई दे सकता है? फिर यहां से निफ्टी हमें 11,050 और 11,020 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वही अपसाइड के लिए देखिए, अपसाइड के लिए 11,500 और 700 जोन, ये एक हडल जोन बना हुआ है। अगर निफ्टी 11,100 200 के ऊपर थोड़े दिन कंसोलिडेट करता है, तो निफ्टी हमें यहां तक बाउंस बैक दिखा सकता है 11,700 के लेवल्स तक। वही अगर हम बात करें नेक्स्ट सेशन की, तो नेक्स्ट सेशन के लिए यहाँ पे निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस जोन है, जो आपको ध्यान देना होगा नेक्स्ट सेशन के लिए। सो निफ्टी 50 के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा फर्स्ट 280 का लेवल, 250 का लेवल, 11,180 का लेवल, 11,150 का लेवल और 11,080 का लेवल। अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस रहेगा फर्स्ट 11,340 का लेवल, 11,436 का लेवल और 11,540 का लेवल। ये निफ्टी 50 के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें नेक्स्ट सेशन में दिखाई दे सकते हैं। तो जो भी लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं, वो प्लीज अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग में डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूंगी। तो अभी निफ्टी के लिए तो हमने देख लिया है, तो चलिए चलते अभी बैंक निफ्टी के ऊपर। सो अभी मेरे सामने बैंक निफ्टी के 5 मार्च की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है, और बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 29,177 के पास। तो जैसे मैंने कहा था आपको कि हर जगह पे क्लोजिंग अपडेट होने के लिए टाइम लगता है, तो फिलहाल एनएससी के साइट पे क्लोजिंग अपडेट नहीं हुई है और मुझे जल्दी बाहर जाना है शाम को, तो इसलिए मैंने वीडियो अभी फिलहाल क्लोजिंग आने तक वेट नहीं किया है, तो इससे कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। सो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, कहाँ पे आज कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हुई है, कहाँ से एग्जिट हुई है। तो अभी देखिए 29,177 की क्लोजिंग आई है, इसका मतलब हम लोग 100-200 के बीच में एट दी मनी है। तो अभी हम लोग 29,000 के लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं। 2,62,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल साइड में, और 41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की हमें यहाँ पे एडिंग देखने को मिल रही है। 29,500 की बात करें तो 5,35,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की हमें यहाँ पे एडिंग देखने को मिल रही है। 30,000 के लेवल की बात करें तो 7,31,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की हमें यहाँ पे एडिंग देखने को मिल रही है। तो अगर हम लोग देखें कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो है 7,31,000 का, उसके बाद में सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 5,35,000 का, जो कि है 29,500 के ऊपर और 30,000 के ऊपर। तो फिलहाल अभी
जो नेक्स्ट सेशन के लिए निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस बन सकता है, फर्स्ट वो है 29,500 का लेवल और उसके बाद में 30,000 का लेवल। वही अगर हम आज देखें, आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है, तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हुई है 29,800 के लेवल के ऊपर, 1,03,000 की। वही पुट साइड में अगर हम देखें, 29,000 के ऊपर 4,40,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और आज 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की हमें यहाँ पे एडिंग देखने को मिल रही है। 28,500 के ऊपर देखें तो 4,84,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की हमें यहाँ पे एडिंग देखने को मिल रही है। तो अगर पुट साइड में हम लोग देखें, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो है 4,84,000 का, जो कि है 28,500 के ऊपर। तो अभी अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के सपोर्ट की, तो देखिए 4,84,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 28,500 के ऊपर है, उसके बाद में सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 4,71,000 का, जो कि है 28,000 के लेवल के ऊपर। तो अभी अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो देखिए 28,500 और 28,000 का लेवल, ये दो लेवल निफ्टी बैंक के लिए क्रूशियल सपोर्ट का काम करेंगे। अगर इसके बिलो क्लोजिंग आती है तो थोड़ा वीकनेस हम लोग निफ्टी बैंक के अंदर फिर देख सकते हैं। ये वीकनेस निफ्टी बैंक को 27,000 और 26,000 तक भी लेके जा सकती है, लेकिन जब तक 28,000 28,500 के ऊपर चल रहा है तब तक पॉसिबिलिटीज अभी भी अपसाइड की बनी हुई है। इससे ज्यादा नीचे फिलहाल नहीं जा सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। सो निफ्टी बैंक के लिए हमने ऑप्शन डेटा तो देख लिया है, तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के। सो अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और आज निफ्टी बैंक ने भी डेली चार्ट के ऊपर एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म की है। सो आज निफ्टी बैंक ने ओपनिंग की थी 29,012 के पास, इंट्राडे हाई किया था 29,285 के पास, इंट्राडे लो किया था 28,749 के पास और अभी क्लोजिंग दी है 29,177 के पास। तो अभी देखिए यहां से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन कौन से हैं निफ्टी बैंक के लिए। सो यहाँ से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए वो रहेगा 29,150 का लेवल। अगर नेक्स्ट सेशन में निफ्टी बैंक इसके बिलो 30 से 40 मिनट तक ट्रेड करता है तो इसके बाद में निफ्टी बैंक हमें 29,000 और उसके बाद में 28,750 के तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी बैंक के लिए डाउनसाइड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 29,150, 29,040 का लेवल, 28,800 का लेवल और 750 का लेवल। ये निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। वही अपसाइड के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ से 29,250 का लेवल, 29,400 का लेवल और 29,500-750 का लेवल। ये निफ्टी बैंक के लिए अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें नेक्स्ट सेशन में दिखाई दे सकते हैं। तो जो भी लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो प्लीज अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग में डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूंगी। सो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आपने मुझे टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से ज्वाइन कर लो। मैं कभी कभार ट्रेड प्लान डालती हूँ, जब मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ तो मैं ट्रेड प्लान वहां पे शेयर कर देती हूँ। वही महीने में एक या फिर दो बार मैं स्टॉक रिकमेंडेशन भी देती हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वही मेंबरशिप में आपको स्टॉक रिकमेंडेशन हर हफ्ते या फिर हफ्ते में दो तीन बार तो मिलते ही मिलते हैं, कौन सी भी मेंबरशिप ले लो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वही गोल्ड मेंबरशिप में आपको एक्स्ट्रा वीडियोज मिलेंगे जो आपको नॉर्मल मेंबरशिप में नहीं मिल सकते। तो मेंबरशिप भी जल्दी से ज्वाइन कर लो,
लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।